से तुझे जाना है तू ही दिल जा। अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं इस तरह की कलरफुल नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग के बारे में, जो कि टिकटॉक पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। एम इरशाद सियाल जो कि इस तरह की वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसके लिए अलाइट मोशन की ज़रूरत होगी और इसके एक फॉन्ट होगा और कलरफुल वीडियो होगी। तमाम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्राहम कर दिया, आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सिंपली डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अलाइट मोशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस होगा। आप लोगों ने सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 9x16x720x30 ब्लैक क्रिएट पर क्लिक कर देना है आप लोगों ने। यहाँ पे जैसे आप लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डबल ए पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप लोगों ने आप अपना नाम लिखना है या किसी किस्म का फॉन्ट जिसका आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो एक नाम लिखता हूँ, जैसे ये है आसिफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आसिफ के नेम की वीडियो एडिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने रिपोर्ट रेगुलर पे आप लोगों ने क्लिक करना है और एक फॉन्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्राहम कर दिया, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ABC, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वाल्टन डीमो। आप लोगों ने इसको ऐड कैसे करना है, ऐड के लिए आप लोगों ने वीओ आल पे क्लिक कर देना है। वीओ आल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंपोर्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो आप लोगों का फॉन्ट होगा वो यहाँ पे सिंपली ऐड होके आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो ऐड होके ये सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने 18 APT पे क्लिक करना है और इसको आप लोगों ने आगे लेके जाना है, जहाँ जिस तक बड़ा आप लोग यहाँ पे, जितना बड़ा आप लोग यहाँ पे ये नेम करना चाहते हो। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह आगे कर लेता हूँ और इसको भी इस तरह कर लेता हूँ। आप लोगों ने अच्छी तरह यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने कलर पे क्लिक करना है और वाइट कलर आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको ड्रैग करके अच्छी जगह पर आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर देना है। ओके पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप लोगों के पास आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने 10% तक लेके जाना है, 10 सेकंड तक लेके जाना है। जो यहाँ तक आप लोग वीडियो बनाना चाहें, 15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, वो आप लोगों के आप पे डिमांड करता है कि आप लोग कितने सेकेंड की जो है वो वीडियो बनाते हो। तो मैं सिंपली इसको 10 सेकंड तक इस तरह यहाँ पे लेके जाता हूँ। लेके जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने साउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ सिंपली मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारा साउंड भी आ चुका है, ठीक है। साउंड आप लोग उतना करें जहाँ तक आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, जहाँ तक आप लोगों का फॉन्ट होगा उस पर क्लिक करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने आज से क्लिक करना है जो आप लोगों ने जो है वो किया होगा फॉन्ट, मतलब है आप लोगों ने टेक्स्ट या नेम जो भी किया होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने बॉर्डर पे चले आना है, बॉर्डर एंड शेडो पे आना है। शेडो को आप लोगों ने ऑन कर देना है। ऑन करके बाद आप लोगों ने स्ट्रोक जो है वो आप लोगों ने सिंपली ब्लैक रख देना है यहाँ पर। तो जैसे ही आप लोग ब्लैक रखना चाहें ब्लैक रख सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रोक जो 2.5 पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एंड पे आना है। एंड पे आके आप लोगों ने यहाँ पे एरो वाला आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब दोबारा आप लोगों ने इसी फॉन्ट जो है टेक्स्ट पे चले जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद कलर पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। कलर पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 3rd नंबर पर एक ऑप्शन नज़र आए, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना और सिंपली इसको आप लोगों ने बैक लेके काला ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आप लोगों ने दोबारा बैक चले जाना है और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। बॉर्डर एंड शेडो पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब जो स्ट्रोक का जो है आप लोगों ने वो यहाँ पे वाइट क्लिक कर देना है। तो स्ट्रोक हमारे पास इस तरह का है, मुकम्मल सेटिंग आप लोगों ने इस तरह कर देने। अब इसको भी आप लोग बढ़ाना चाहें तो 4.5 पे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद अब आप लोगों ने काम करना है, आसिफ पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड इफेक्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है।
और यहाँ पे ड्राइंग में आप लोगों ने चले जाना है, और यहाँ पे ड्राइंग पूरा ग्रेस पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने बैक चले जाना है, और यहाँ तक आप लोगों ने जो आप लोगों का टेक्स्ट होगा, नेम होगा, उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, और 7 सेकंड तक इसको आप लोगों ने काट कर देना है, दो पार्ट में आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। दोबारा आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसी इफेक्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली या स्टार्ट पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, इस तरह प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो एंड पॉइंट है आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसको आप लोगों ने सिंपली 0 तक ले जाना है। तो जिस तरह ये देखें, यहाँ पे 0 तक आ चुका है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने जहाँ तक हमने कट किया था उस तक आप लोगों ने सिंपली चले जाना है। तो इस तक मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पे, इफेक्ट ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट पे क्लिक करना है, और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब जो है एंड पे आप लोगों ने क्लिक करके इसको दोबारा आप लोगों ने 100 तक लेके जाना है। तो इस तरह आ चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो की हमारी किस तरह यहाँ पर बन चुकी है। जी तो गाइस, हमारा जो है वो आप लोगों के सामने इस तरह वीडियो बन के आ चुकी है। इसके बाद आप लोगों ने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को एक कलरफुल वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों ने सिंपली उसको यहाँ पे लेके आना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस वीडियो को लेके आ देता हूँ। तो गाइस, हमारे ये वीडियो आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब आप लोगों ने यहाँ पे कट करना है जहाँ तक आप लोगों की वीडियो होगी। तो सिंपली मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों ने, और इस एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोगों ने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर कलरफुल वीडियो के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग में, ठीक है। आप लोगों ने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डार्कन पे क्लिक करना है। आप लोग आप जो लगाना चाहें, जो आप लोगों को बेस्ट लगे वो आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर डिफरेंट पर चला जाता हूँ। डिफरेंट पर जाने के बाद डेविएंट, ठीक है, डेविड जो भी है यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसी को क्लिक कर देता हूँ। आप लोग जो आप लोग की मर्ज़ी, जो आप लोग करना चाहें वो आप लोग सिंपली इसके कर सकते हैं। अब हमारी वीडियो 100% जो तैयार होके आ चुकी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। तो हमारी इस तरह वीडियो जो है वो कमाल की कलरफुल जो है वो नेम बन चुका है। आप लोगों ने इसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने एरो के, इसके बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर एरो के निशान पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो आप लोगों की वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।